मेरा मुल्क सबसे पहले जब पाकिस्तान का लफ्ज़ सुनता हूँ तो मेरे जहन में इस्लामी जमहूरी फलाही रियासत का जहन आता है। घर नगर बस मुझे तो ऑन ए सीरियस नोट बट की कढ़ाई जो लक्ष्मी चौक पे है वो मेरी बहुत फेवरेट है और मैं स्पेशली उसको खाने के लिए जाता हूँ उधर, और ये बेहतरीन चीज़ है जो पाकिस्तान का नाम सुनते ही मेरे जहन में आती है। वक्त गुजरने के साथ आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, काफ़ी कुछ पता चल रहा है पाकिस्तान के कल्चर के बारे में, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के बारे में, तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। ये दहशतगर्द मुल्क नहीं है, ये दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी है। डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी यार, मतलब बहुत तरक्की कर रहा है, म्यूज़िक वगैरह भी इतना इम्प्रूव हो रहा है और एजुकेशन वगैरह अवेयरनेस बहुत आ गई है यंगस्टर्स में, तो ये अच्छी बात है। पॉजिटिवली इस तरीके से चेंज हुआ है कि हमारी इकॉनमी जो है वो चेंज हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से कितने स्टार्टअप्स और आईटी इंडस्ट्री हमारी ग्रूम की है बहुत ज़्यादा। यकीनन पाकिस्तान को अपने तनु में, कल्चर के जो तनु है उसमें फ़ख्र होना चाहिए और अपने नौजवान क़यादत पे फ़ख्र होना चाहिए जो उन्हें एक अच्छा मुस्तकबिल दे सके। यार पाकिस्तानियों को अपने कल्चर पे फ़ख्र होना चाहिए, हमारी आर्मी पे कि जो जिसके एसएसजी कमांडोज जो हैं वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट समझे जाते हैं, और इस लिहाज से एटॉमिक नेशन है, एटॉमिक ब्लास्ट हमने किए हुए। खूबसूरत चीज़ पाकिस्तान के जितने नॉर्दर्न एरियाज़ हैं खूबसूरती से बड़े बड़े हैं। पाकिस्तान के चारों मौसम जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, और ये दुनिया की एक बेहतरीन चीज़ है जो अल्लाह की तरफ से नेमत है पाकिस्तान के लिए कि इसमें चारों मौसम दस्ते हैं। बस ये हमारा पाकिस्तान हर जगह से खूबसूरत है, देखें आप बस। शायद फ्री जी नहीं, लास्ट वाला दोबारा करो प्लीज। लास्ट अच्छा पाकिस्तान, एक सेकंड, लास्ट वाला सोचने दो। सबसे खूबसूरत चीज़ पाकिस्तान के बारे में, सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ मेरे जहन में मायरा खान आती है।